हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए बाजू की कटिंग और स्टिचिंग कैसे होगा। मैं सूट में इसको सिलना आपको बताऊंगी। मैं बाजू ले ली हूँ, इसकी लंबाई मैं ली हूँ इसमें 18 इंच, चौड़ाई है 10 इंच। 10 इंच का हरमोल है। अब यहाँ से मैं 3 इंच लेना है हरमोल के लिए। अब यहाँ पे हरमोल की गोलाई चेक करना है। अब मैं कितना मेजरमेंट, मेरे मेजरमेंट में आए 10 इंच। मैं 10 इंच पे मार्कर कर दी। इसकी लंबाई है 18 इंच। अब इसको नीचे मोहड़ी के लिए मैं मार्कर लगा रही हूँ 6.5 या 6.5 इंच पे नीचे के लिए मैं मार्कर लगा रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा मैं लगा रही हूँ। अब इसको जहाँ 10 इंच हरमोल का लगा वहाँ से इंची टेप रखना और मोहड़ी पे मार्कर करके इसको मिला देना सीधा 2-2 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हरमोल की गोलाई बना देना है। ये 3 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ मैं हरमोल की गोलाई बनाने के लिए। अब यहाँ से इसको यहाँ पे इसको मिला देना है। अब यहाँ हरमोल की गोलाई इसको बना देना है। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है और 1/2 इंच अंदर के साइड डाउन कर देना है। ये फ्रंट में रहेगा 1/2 इंच। अब इसको कटिंग करके निकाल देना, जैसे मार्कर लगा ऐसे इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को भी कटिंग करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को भी कटिंग करके निकाल देना है। अब इस तरह कपड़े को कटिंग करके निकाल दी हूँ। अब इसको यहाँ पे बॉर्डर है फोल्ड करने के लिए, कपड़ा नहीं है तो अलग से मैं इस तरह कपड़े कटिंग की हूँ। इसकी चौड़ाई ली हूँ मैं 2 इंच। अब इसको डबल फोल्ड में करके इसको सीधे साइड से मैं सिलते जा रही हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा तो उसी में फोल्ड कर सकते, इसमें एक्स्ट्रा नहीं इसलिए मैं इसको फोल्ड के लिए दूसरा कपड़ा लगा रही हूँ। अब इसको सीधे साइड से डबल फोल्ड में मैं सिलते जा रही हूँ इसको। ये गर्म सूट है। अब एक सीधे साइड से इसमें सिलाई लगाते जाना है। एक सिलाई सीधे साइड से मैं इसमें लगाते जा रही हूँ। अब इसको सीधे साइड से सिलाई लग गया है। अब इसको डबल इसको अंदर के साइड फोल्ड करके एक ऊपर से कच्ची सिलाई लगा देना है। बाद में मैं तुरपाई करके उसको निकाल दूँगी कच्चे धागा को। अब इसको एक अंदर फोल्ड करके आप इस सीधे साइड से एक सिलाई लगा देना है। बाहर नहीं दिखना चाहिए फोल्ड वाला कपड़ा। अब इसको सीधा सेंटर से सेंटर मिला लेना है। यहाँ पे बराबर से कपड़ा इसको बराबर कर लेना है और 1/2 इंच फ्रंट में इसको कटिंग करके निकाल देना है। ये फ्रंट के साइड का इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ मोहड़ी से मैं इसको हरमोल की गोलाई तक इसको सीधा सिलते जा रही हूँ। अब इसको सेंटर से सेंटर मिला लेना और इसको सिलाई लगाते जाना है। अब इसको सिलते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगाते जा रही हूँ और यहाँ पे इसको सिलाई को पक्का कर लेना है। यहाँ पे 3-4 सिलाई इसको पक्का कर लेना है। अब यहाँ पे इसको मैं पक्का कर ली हूँ, कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको सूट को लेना है। अब सूट को मैं ले ली, सूट को उल्टा उल्टे के साइड रखना है। सूट को मैं उल्टे के साइड रखी हूँ। अब बाजू को सीधे साइड से लगाना, बाजू को सीधा करना है। बाजू को मैं सीधा कर ली हूँ। अब इसको फ्रंट और बैक को दोनों सेंटर सेंटर से मिलाना है। फ्रंट में जो कटिंग और फ्रंट के साइड रहेगा, अब सेंटर से सेंटर मिला लेना है। जो 1/2 इंच कटिंग है वो फ्रंट की साइड रहेगा। अब सेंटर से सेंटर मिला लेना है। अब इसको सेंटर से सेंटर में मिला लेंगे। अब नीचे से मैं इसको
हर मोड़ के गोलाई से मैं इसको सिलते जा रही हूँ। कमीज को उल्टा रखना है, बाजू को सीधा रखना है और दोनों सेंटर को सेंटर मिला के इसमें मैं सिलाई लगाते जा रही हूँ। हर मोड़ के नीचे के साइड से मैं इसमें सिलाई लगाते जा रही हूँ। अब इसको सिलते जाना है। अब इसको सेंटर बिल्कुल बराबर से इसको सेंटर से सेंटर सिलते आना है, यहाँ तक इसको हारमोन की गोलाई इसको सिलते आना है। अब यहाँ तक इसको मैं सिलाई लगाते आ रही हूँ। अब इसको यहाँ इसको सिलाई को डबल कर लेना है, घुमाते इसको जाना, गोल में सिलाई करते जाना है। सिलाई को मैं डबल कर रही हूँ। अब सिलाई को मैं डबल कर लिया, अब इसको सीधा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए बाजू लग के तैयार हो गया है, ये सीधे साइड से आपको दिखाते हैं बिल्कुल बराबर से। ये नीचे का है, बिल्कुल बराबर से इसको सिलाई हो गया है। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।